अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो आपने कई सारी डिशेस ट्राई की होंगी, उसमें से सबसे ज्यादा आपको पसंद आया होगा ढाबे वाला तवा चिकन। तो यही रेसिपी आज मैं यम यम किचन पर लेकर आई हूँ आपके लिए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हमने पतले स्ट्रिप में कट कर लिया है। अब ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे चला लेंगे। अब इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक तवे में लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन, फिर डालेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को अच्छे से पकाकर साइड में निकाल कर रख देंगे। अब उसी तवे पर 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे, फिर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सब को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी। इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे आधा कप दही और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप टमाटर की प्यूरी। अब ऐड करेंगे भुना हुआ चिकन और इसी मसाले में अच्छे से पका लेंगे। अब ऐड करेंगे 1/4 कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 छोटे चम्मच कटे हुए धनिया के पत्ते। अब इसे एक बोल में निकाल कर हरे धनिये के साथ गार्निश कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म तवा चिकन। इसे तंदूरी रोटी या नान के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आपकी चिकन की रेसिपी लिस्ट में एक और शानदार रेसिपी शामिल हो गई है। इसे घर में जरूर बनाइए और इसका जायका आपको कैसा लगा हमारे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करिए यम यम किचन।